लेफ्ट आर्म बैट्समैन युवराज सिंह इन दिनों बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। युवराज NCA में नवंबर के आखिरी में होने वाले यो-यो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो टीम इंडिया में वापसी कर सके। लेकिन वहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही 36 साल के होने जा रहे युवराज सिंह को BCCI ने अपने घरेलू मैदान पर फेयरवेल मैच खेलने का ऑफर दिया है। भारत श्रीलंका के बीच होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मैच मोहाली में खेला जाना है। सूत्रों के अनुसार BCCI ने युवराज को मोहाली में अपना आखिरी मैच खेलने का ऑफर दिया है, हालांकि युवराज ने इसे ठुकरा दिया है। गौरतलब है कि टीम इंडिया में सिलेक्ट होने के लिए अनिवार्य कर दिए गए यो-यो टेस्ट को युवराज अब तक पास नहीं कर पाए हैं। इस कारण युवराज रणजी मैच छोड़कर NCA में पसीना बहा रहे हैं। फिटनेस के अलावा फॉर्म में भी युवराज के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी आखिरी मैच में युवराज बैटिंग में कोई दम नहीं दिखा सके थे। ऐसे में BCCI को अपनी फ्यूचर टीम में युवराज सिंह की जगह नहीं दिख रही है। हाल ही में BCCI ने आशीष नेहरा को उनके घरेलू मैदान से विदाई दी थी। BCCI चाहता था कि युवराज भी अपने घरेलू मैदान पर सबके सामने रिटायरमेंट ले। हालांकि कहा जा रहा है कि युवराज 2019 तक टीम में बने रहना चाहते हैं और सब कुछ छोड़कर यो-यो टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।